क्या आपने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाने गाता है? क्या आपने कभी मोजे पहने हुए किसी पक्षी को देखा है? क्या आपने कभी फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही 10 पक्षियों के बारे में जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। ये इतने दुर्लभ है कि चुनिंदा लोग ही इसको देख पाते हैं, मगर आप भी इनको देख सकते हैं हमारे वीडियो के जरिए। नंबर 10, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरेट भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है शायद आप इसको देखकर समझ गए होंगे। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा उल्लू की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा है। न्यूजीलैंड के घने जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी तोतों की प्रजाति में सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है। उनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात ये है कि ये पक्षी उड़ता नहीं है बल्कि फुदक फुदक कर चलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर शिकारियों का खाना बनता है। इस पक्षी का फुदक कर चलना ही एक कारण है जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 211 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार इन पक्षियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाती रहती है, साथ ही वहाँ के लोग भी पक्षियों की काफी मदद करते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो इसका इलाज कराते हैं, साथ ही इनको खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9, ज्यूनिन ग्रीब। ज्यूनिन ग्रीब नाम के इस पक्षी को ज्यूनिन फ्लाइटलेस ग्रीब भी कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी के दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इसकी आबादी अब 250 से भी कम बची है। ज्यादातर पश्चिम मध्य पेरू की ज्यूनिन लेक में पाए जाने वाले ज्यूनिन ग्रीब लेक्स में रहना ही पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। ज्यूनिन ग्रीब की इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से ज्यूनिन झील में कई तरह की पहल करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी रोक है, ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस ज्यूनिन ग्रीब को विलुप्त होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8, सुपर्ब लायरबर्ड। सुपर्ब लायरबर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षियों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की कला और तीसरा है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, तो कहीं ये तोते की प्रजाति में से एक तो नहीं? लेकिन यहाँ आप गलत है। ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद अपनी इसी कला की वजह से सुपर्ब लायरबर्ड अब संकट में है और इनका नाम IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इस तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ ही इस पक्षी के धीरे धीरे विलुप्त होने का कारण ये भी है कि ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। इसकी वजह से ये मनुष्य की गाड़ियों के नीचे दबकर मर जाते हैं। नंबर 7, ऑरेंज बेलीड पैरेट। ऑरेंज बेलीड पैरेट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नायाब पक्षियों में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोतों को ऑरेंज बेलीड पैरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये ऑरेंज बेलीड पैरेट दूसरे पैरेट से बात करने के लिए एक तरह की बजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तास्मानिया में पाया जाने वाला ये पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अपना समय बिताते हैं। इस वक्त ये पक्षी इतना खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपनी रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लभ दर्शन आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मड आइलैंड पर हो सकता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन उसकी गर्दन के नीचे चमकीला नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करते वक्त पूरी तरह खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षियों को लुभाने के लिए अपने पंख खोलकर डांस करते हैं और अपनी इसी कला के लिए ये फेमस है।
इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेल पक्षी ज्यादा आकर्षक होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी मुश्किल है।